मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि संगठन के प्रदेश महामंत्री पवन राणा, जो कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं, वे संगठन के कार्य में व्यस्त होने के कारण ज्वालामुखी में नहीं आ पाए हैं। उनकी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ज्वालामुखी के कार्यक्रमों में न आ पाने के लिए अपनी विवशता बताई थी और आज ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के चंगर और बलिहार क्षेत्र में विकास की कई योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि संगठन के प्रदेश महामंत्री पवन राणा, जो कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं, वे संगठन के कार्य में व्यवस्था के कारण ज्वालामुखी में नहीं आ पाए हैं। उनकी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ज्वालामुखी के कार्यक्रमों में न आ पाने के लिए अपनी व्यवस्था बताई थी और आज ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में चंगर और बलिहार क्षेत्र में विकास की कई योजनाओं की जहां शिलान्यास व उद्घाटन हुए, वहीं पर नई योजनाओं की घोषणा भी हुई। उन्होंने माना कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्ष के बाद आने का मौका मिला है, वे प्रयास करेंगे कि यहाँ पर समय समय पर आते रहें और विकास की गति को बढ़ावा देते रहें। मैं उनकी बातों को मजाक में लेता, क्योंकि बातें ही ऐसी करते हैं, जिन बातों पर हंसी भी आती है। सर, एक और बात आ रही, संगठन मंत्री पवन राणा नहीं पहुंचे कार्यक्रम में, वो किसी कार्यक्रम से बैठक के सिलसिले में बाहर गए। कार्यक्रम में एक बार विभक्त चला, छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियाँ।